हाय गाइस, मेरा नाम है रंजीत बिन और मैंने ये वीडियो जो ज्योग्राफी का नेक्स्ट हमारा प्लेलिस्ट चल रहा है उसमें डायरेक्शंस के रेस्पेक्ट में बनाया है कि भैया ये डायरेक्शंस क्या है। बचपन से तो हम सुनते आ गए हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। जिस तरह से सन उगता है उधर ईस्ट है, उसके पीछे वेस्ट है, लेफ्ट वाला नॉर्थ होता है, राइट वाला साउथ होता है। ओके, लेकिन इसमें एक सवाल बहुत बड़ा वाला ये आता है कि आपने एक और एक बात सुनी होगी कि जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है या फिर इंग्लिश में जापान इज अ कंट्री ऑफ राइजिंग सन। ये क्यों कहा जाता है भैया? सूर्य तो सब देश में उग रहे हैं, अमेरिका में उग रहा है, सॉरी इंडिया में उग रहा है, अमेरिका में उग रहा है, अफ्रीका में उग रहा है, बट जापान को ही ये क्रेडिट क्यों दिया गया है और इस वर्ल्ड मैप का अरेंजमेंट ऐसा ही क्यों है? ये बात का अगर आप जवाब जान जाएंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा आपको। स्पेशली ये वीडियो स्टूडेंट्स लोग के लिए बनाया गया है क्योंकि आपको जिंदगी भर हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना है। इस मैप में आपको पूछेंगे कि हाँ भैया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के वेस्ट में कौन सी कंट्री है, नॉर्थ में कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट में किधर है, कौन सी है, इंडिया है, इंडिया से साउथ में कौन सा कंट्री है, इंडिया से वेस्ट में कौन से कंट्री है, नॉर्थ ईस्ट में। ये सवालों का जवाब आपको इस वीडियो को समझ में आने के बाद मिल जाने लगेगा जिंदगी भर के लिए, फिर आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। और अगर मैं कहूँ तो जैसे देखो इंडिया है ना, ये हमारे इंडिया का मैप है। अब मैं किसी भी एक स्टेट को ले लेता हूँ, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के ईस्ट में कौन सा स्टेट्स है, वेस्ट में कौन सा है, नॉर्थ में, साउथ में, मतलब वो सवाल आपका जो होगा डायरेक्शंस का वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से मेजर किया हुआ नहीं होगा कि हाँ भाई हम वर्ल्ड मैप को सिर्फ एक पॉइंट से देखने वाले, ये डायरेक्शंस पता करते वक्त। नहीं नहीं नहीं, डायरेक्शंस पता करते वक्त ये बात बहुत जरूरी है कि आप कितने एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। आप इस डायरेक्शंस को वर्ल्ड मैप के नजरिए से देखना चाहते हैं कि भैया हाँ चलो ये वर्ल्ड है, ये ग्लोब है हमारा, हम पूरे ग्लोब के नजरिए से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ समझना चाहते हैं, नहीं चलो हम पूरे की नजर से नहीं जाना चाहते हैं, हमको सिर्फ इंडिया के बारे में जानना है, इंडिया के नजरिए से हम देखेंगे कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या है। और नीचे जाना चाहते हैं, चलो हम खाली उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र के रेस्पेक्ट में देखना चाहते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या है। और नीचे चलो उत्तर प्रदेश में बनारस, महाराष्ट्र में मुंबई की नजर से देखना चाहते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या है। और ये चीज वहां तक जा सकती है जहां पे भी आप इस वक्त खड़े रह के इस वीडियो को देख रहे हो, उस पॉइंट से भी आप मायने पता कर सकते हैं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या है। ओके, सो डायरेक्शंस पता करने के लिए ये बात जरूरी नहीं है कि आपका एरिया कितना बड़ा है, आप किसी को भी चुन सकते हैं, लेकिन जो मुद्दे की बात है ना गाइस, वो फिक्स रहने वाली है कि आप जहां कहीं भी हो इस अर्थ पे, सन जहां से उगता है उसी को दुनिया ईस्ट मानती है। अब आप यहां हो ना तो जो अर्थ हमारा ऐसे घूम रहा है गाइस, देखो ये सन ऐसे यहां पे है, लाओ राहुल जरा इस बात को समझ लो गाइस, देखो इस बात को समझ लोगे तो काफी काम आसान हो जाएगा। देखो ये हमारा जापान है, जापान में इस वक्त अगर सुबह हो रही होगी ना तो अमेरिका में या साउथ अमेरिका में और थोड़ा अमेरिका में, अब थोड़ा अफ्रीका में यहाँ अंधेरा हो रहा होगा क्योंकि देखो सन इस वक्त जापान के एकदम सामने, यहाँ इस एरिया में धूप होगा, यहाँ शाम दोपहर, यहाँ पे पीछे वाली रात, और ये दुनिया अब आगे आने वाली। देखो ऐसे अब इंडिया में सुबह हो गई, देखो इंडिया इधर आ गया एकदम सामने सामने। सो गाइस मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इधर ही ईस्ट है। देखो अगर अफ्रीका में आदमी है, अफ्रीका में आदमी को मालूम है कि सन इस तरफ से आने वाला, देखो इस बात को समझ नहीं करे तुमको यहां देखना पड़ेगा, ठीक है, इधर नहीं समझ में आने वाली बात फटाक से बात। तो इसके लिए मैंने इसका ग्लोब का इस्तेमाल करा। देखो ये जापान है, ये ऐसे घूम रहा है, वो जो जितने भी अफ्रीकन लोग यहां होंगे ना उनको मालूम होगा कि सन इधर होगा, इधर ही ईस्ट होने वाला है गाइस। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाह रहा था और यही इस वीडियो का भी मकसद था। और इसी के लिए जापान को भी सूर्योदय का देश कहते हैं, क्यों? क्योंकि हमने ये बात एकदम फंडामेंटली मान ली है कि हमारा जो जिंदगी का टाइम और डेट है, वो जापान से स्टार्ट होगा। जब भी रात को 11:59 होता है जापान में, ओके, तो 11:59 तो हम पीएम लिखेंगे, तो डेट होता है आज, जैसे डेट है जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं, 11th of February है, ओके? So guys, अगर आज 11th of February को जापान वाली रात है, तो जो सबसे पहले 12 बजने वाला है ना इस दुनिया में, ये डेट सब इस वक्त सब जगह यही डेट आ चुका होगा, यहाँ पे शाम का यही डेट चल रहा होगा, यहाँ पे अगले दिन रात हो गई होगी, 12:01-2 बज रहे होंगे, उसके हिसाब से ये डेट चल रहा होगा, डेट सब जगह यही होगा इस वक्त 11। लेकिन जो सबसे पहले जिसका डेट 12 हो जाने वाला है वो है जापान। देखो जैसे ये देश में एक मिनट और होगा ये 12 बज जाएगा, और वर्ल्ड जो मॉडर्न जो हमारा कैलेंडर और मॉडर्न टाइमिंग सिस्टम है, रात को 12 बजे से समझ सकते हैं कि हम अगला दिन लग चुका है, और उसी के हिसाब से जापान में ही सबसे पहले सुबह भी होने वाली है क्योंकि वो जो अर्थ का रोटेशन है वो उसी रेस्पेक्ट में हो रहा है।
और हमने ये बात मान लिया है कि जापान से ही हमारी दुनिया चालू होगी। ये बात एकदम सत्य है, एकदम करेक्ट है। हमारे यूनिवर्स के हर लॉस को फॉलो हो रहा है। आज जो भी हम सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, सब कुछ एकदम कंफर्टेबल में है। हम जो कुछ भी हमने बना रखा है, जो कुछ भी हमने मान लिया है, वो एकदम सही है। ओके, सो ये जापान हमारा ईस्ट की तरफ होगा। देखो इंडिया है, जो कुछ भी कंट्रीज यहाँ आएंगी इंडिया के रेस्पेक्ट में, वो ईस्ट में होंगी, ये वेस्ट में होंगी, ये नॉर्थ में होगा, ये इंडिया के साउथ में होने वाला है, ये अफ्रीका है, तुमको मालूम है, यहां से सब निकलने वाला है, यहां से नहीं, ठीक है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में किसी भी कंट्री के हिसाब से देख लो तो वो आदमी इंडिया को बोलेगा वो हमारे ईस्ट में है, और या तो फिर कोई आदमी थोड़ा नॉर्थ में भी बोल सकता है, नॉर्थ ईस्ट में बोल सकता है साउथ अफ्रीका वाले, कोई ये आदमी भी बोलने वाला है कि इंडिया वेस्ट में, क्योंकि सन यहां से नहीं उगने वाला, सबको मालूम है कि सन यहां से ऐसा आने वाला है आगे, ऐसे ये कंट्रीज के ये सारी चीजें ईस्ट होंगी, इनके लिए भी ये चीज ईस्ट होगी। फिर अफ्रीका है, देखो साउथ अमेरिका वालों के लिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट ईस्ट में हो जाएगा, क्योंकि सन यहां से आने वाला, यहां जापान है। इंडिया के लिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट वेस्ट में होने वाला है। So, ये था हमारा गाइस वीडियो डायरेक्शंस को लेके, जहां से सन उग रहा होता है, आप कहीं भी अर्थ पे खड़े हो, सामने जहां से सन उग रहा है वो आपका ईस्ट है, ठीक आपके पीछे वेस्ट होगा, लेफ्ट में नॉर्थ और राइट साइड में साउथ होगा आपका। वही कंट्री जरा हम अपने इंडिया के मैप के बारे में बात कर लेते। देखो ये हमारा मध्य प्रदेश है, अभी हम इंडिया को देख चुके हैं कि इंडिया इधर है, इधर जापान है, यानी ईस्ट इधर होने वाला है हमारे। जो भी देखो ये नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं उनको प्यार से, क्योंकि ये ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं। महाराष्ट्र देखो गुजरात है, वेस्ट है, वेस्ट में है महाराष्ट्र, गुजरात है, सब वेस्ट में काउंट होते हैं। ओके, सो अगर हम एमपी हमारा सेंटर ऑफ इंडिया, हम इंडिया के रेस्पेक्ट से देख रहे हैं इस वर्ल्ड मैप को, हम जहां से देखेंगे वहां से मायने रखने वाला है। तो एमपी से देखेंगे तो ये चीजें नॉर्थ ईस्ट, ये सेंटर में आ जाता है, ये नॉर्थ है। देखो यूपी और बिहार, यूपी वालों को नॉर्थ नॉर्थ मतलब उत्तरी भारतीय कहते हैं, हिमाचल, और ये साउथ, साउथ इंडिया ईस्ट तुम्हारे कर्नाटका तमिलनाडु, है ना, लोग बोलते हैं मद्रासी लोग हैं, साउथ इंडिया से हैं, है ना, वो एक मतलब वो एक डायरेक्शंस के रेस्पेक्ट में हैं। तमिल्स हैं हमारे और मलयालीज हैं, तो ये लोग सब साउथ में हैं, क्यों, क्योंकि वो कंट्री वो स्टेट्स इंडिया के रेस्पेक्ट में नीचे हैं। ओके, सो गाइस ये था। और फिर थोड़ी सी बात अगर हम और बोल दें, जैसे ये ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, साउथ है। अब अगर आप खुद ही सोचिए कि थोड़ी देर कुछ लोकेशन कुछ जगह यहाँ पे भी होंगे तो हम इसको भी ईस्ट में बोलेंगे, ये होगा इसको नॉर्थ बोलेंगे, है ना, ये ईस्ट, ये तक भी ये भी ईस्ट में आएगा, ये भी थोड़ा नॉर्थ में आएगा, लेकिन कुछ चीजें देखो यहाँ आ रही है, कुछ लोकेशन यहाँ आएंगे हमारे साथ, वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। वही चीज जरा यहां देखो, तो ये देखो ये यहां तक तुम बोलोगे नॉर्थ है, यहां ठीक है, यहां तुम बोलोगे कि गाइस ये वेस्ट है, ये इसको भी थोड़ा वेस्ट में मान लेंगे हम, इसको भी वेस्ट मान लेंगे, जो चीजें यहां आएंगी वो आपका नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ओके, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। अब यहां आओ देखो, ये साउथ है, हाँ यहाँ पे भी थोड़ा साउथ बोलेंगे, यहाँ पे भी थोड़ा साउथ बोलेंगे, लेकिन जो इधर बीच में आ जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, सो ये हो जाएगा तुम्हारा साउथ वेस्ट। ओके, साउथ वेस्ट। और फिर यहां देखो ये भी थोड़ा साउथ में ही जाएगा आपका, लेकिन ये ईस्ट है थोड़ा, तो जो बीच में जो इतना एरिया पड़ रहा है वो आपका साउथ ईस्ट हो जाएगा। ओके, ये सब बहुत स्पेशल है गाइस, इसको समझ लेंगे तो काम आसान हो जाएगा आपको। जिंदगी भर ज्योग्राफी पढ़ा जाता है, उसमें ये सारे टॉपिक, जैसे आप जब किसी कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ोगे, चाहे किसी कंट्री के बारे में पढ़ोगे, स्टार्टिंग में ही ये सब गोल्डन पॉइंट्स रहते हैं, जो मैंने पीछे भी बताए हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन पे कहां लाई कर रहा है, क्यों लाई कर रहा है, और उसके बाद फिर ये उसके नॉर्थ ईस्ट में कौन सी कंट्रीज है, उसके साउथ ईस्ट में, उसके वेस्ट में क्या है, ये सब कुछ आपके टेक्स्ट बुक्स में रहता है, जिसको आप उतने से समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि यही सब वजह है कि आप बेसिक्स नहीं जानते रहते हो। अगर आप बेसिक्स जान जाओगे तो आपकी जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बुक्स है ये सब आसान हो जाएगी। इसके बाद हमारा टॉपिक है टाइम। आप देखो जो टाइम है हमारा ईस्ट से वेस्ट की तरफ बढ़ रहा है, और जब सन पूरा घूमता है तो 24 घंटे का डिफरेंस आता है, और यही बात मैं अब अगले वीडियो में समझाऊंगा। ये तो सिर्फ डायरेक्शंस के रेस्पेक्ट में था, ठीक है, थैंक्स अ लॉट।